फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशनी यादव। तो आज हम बनाने वाले यूनिकॉर्न थिंग्स। तो चलिए यूनिकॉर्न थिंग्स बनाते हैं। पहला है पेंसिल, तो पहले पेंसिल बनाएंगे। इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से 4 सेंटीमीटर आपको कलरफुल पेपर्स कट करने हैं। उसके बाद रोल कर पेंसिल में आपको पेस्ट कर देना है। हमारी यूनिकॉर्न पेंसिल रेडी है। तो आप लिख सकते हैं कुछ भी को लिखना हो। यूनिकॉर्न पेंसिल बनाने के बाद हम यूनिकॉर्न इरेजर बनाएंगे। तो यूनिकॉर्न इरेजर बनाते हैं, उसके लिए आपको एक इरेजर चाहिए। इरेजर में आपको वाइट पेपर रैप कर देना। वाइट पेपर रैप करने के बाद आपको उसके आगे कुछ ऐसा फेस बनाना है। उसके बाद बनाने वाला हम शार्पनर, तो शार्पनर आपको एक चाहिए। उसके बाद आपको कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड पे आपको पहले शार्पनर का साइज़ देना है। उसके बाद एक रेनबो बनाना है। रेनबो बनाने के बाद आपको 8 कट करने हैं। वैसे 8 कट करने के बाद आपको पूरा पेपर से रैप करना है। उसके आगे कुछ ऐसा फेस बना देना है। उसके बाद आपको अंदर शार्पनर डालना है और आपकी यूनिकॉर्न शार्पनर रेडी है। अब उसके बाद हम बनाने वाले हैं स्टिकर्स, नहीं स्केल बनाने वाला था। स्केल बनाने के लिए आपको पहले एक स्केल चाहिए और स्केल पे आपको पहले ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। उसके बाद आपको इसे लाइन से पेस्ट करते जाना है। अब स्केल बनाने के बाद आपको बनाना है स्टिकर। स्टिकर बनाने के लिए पहले आपको एक स्टिकर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है, फिर उसको ब्लैक से आउटलाइन करना है, आउटलाइन करना है, कलर करना है। उसके बाद ऊपर उसके टेप लगाना है और फिर आप ऐसे उसको कट कर लेना है। और फिर आपके स्टिकर्स के रेडी हैं। स्टिकर्स बनाने के बाद हम बनाएंगे बुकमार्क। बुकमार्क बनाने के लिए आपको ये चाहिए। बुकमार्क बनाने के लिए आपको ये चाहिए और आपको इसको कट कर लेना। कट करने के बाद एक यूनिकॉर्न ड्रॉ करना है, तो यूनिकॉर्न ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ऐसा एक यूनिकॉर्न ड्रॉ करना है। अब इसमें कलर करना, तो कलर कलर करते हैं। मैंने यूनिकॉर्न को कलर कर लिया। अब यूनिकॉर्न को हमें कट करना है। मैंने यूनिकॉर्न को कट कर लिया। चलिए यूनिकॉर्न को पेस्ट कर देते हैं ऐसे। हमारा यूनिकॉर्न बुकमार्क बन के रेडी है। अब हम पूरी यूनिकॉर्न की किट बनाएंगे। चलिए यूनिकॉर्न किट बनाते हैं। पहले जाएगी पेंसिल। पेंसिल चलिए अंदर, फिर इरेजर, स्केल, शार्पनर, बुकमार्क, स्टिकर्स। स्टिकर्स के बाद हम कुछ कलरफुल पेपर्स डालेंगे। चलिए हम इसमें कुछ कलरफुल पेपर्स डाल देते हैं। उसके बाद ग्लिटर पेपर, रेडी है। तो निकाल के सारे दिखाती हूँ। पेपर नॉर्मल कलरफुल पेपर, यूनिकॉर्न बुकमार्क, शार्पनर, स्टिकर्स, स्केल, इरेजर, पेंसिल, बस हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, बाय बाय। अगली वीडियो कल आ रही है, तो फिर देखना ना भूलना।